We've constantly been giving out news and segments which are barely known to you guys. Well, this time in this segment, we have with us Hiba Nawab sharing about her 11 facts that are not known to her fans. आज मैं आप सबके साथ मेरे अननोन फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो आप सबको शायद नहीं पता हो या पता हो, वैसे जहाँ तक है नहीं पता होंगे। जैसे आप मुझे देखते हैं वैसे सब सोचते होंगे कि मैं कुछ सब हेल्दी हेल्दी स्टफ़ खाती होंगी और कुछ ऑयली नहीं खाती होंगी, बट आई लव समोसास और जलेबियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी सेट पे, वैसे तो हम ज़्यादातर मंगाते रहते हैं, हर ऑल्टरनेटिव डे पे मंगाते रहते हैं, तो मैं दो समोसे से नीचे कभी बात ही नहीं करती हूँ, हमेशा दो समोसे खाती हूँ और ढेर सारी जलेबियाँ खाती हूँ। जो मुझको देख के लोग कहते हैं, अरे बाप रे तुम, लगता नहीं तुम कुछ खाती होगी, तो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। मुझे बहुत डर लगता है छिपकली, एक्चुअली डर नहीं लगता, मुझे वाली फीलिंग आती है जब भी मैं छिपकली को देखती हूँ। मेरे जब जो मेरा होम टाउन है, थैंक गॉड, थैंकफुली मैं मुंबई में जहाँ रहती हूँ वहाँ पे नहीं है छिपकलियाँ, बट मेरे होम टाउन में बाप रे इतनी छिपकलियाँ होती है ना, तो मुझे उनसे बहुत बहुत क्रीपी लगती थी। वो मुझे क्रीपी भी नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा अच्छा वर्ड है क्रीपी उनके लिए, क्या बोलूँ, पता नहीं बहुत ही गंदी सी फीलिंग आती थी उनको देखकर। मैं अभी आके काफ़ी चुलबुली हो गई हूँ, जब मैं सेट पे रहती हूँ तो सबको लगता है बहुत चुलबुली और बचपन से ऐसी रही होंगी, बट जब मैं स्कूल में थी ना तो मैं ना ऐसे शैतान बच्चों में आती थी ना मैं सीधे शांत बच्चों में आती थी, मैं बीच में कहीं थी और तभी टीचर्स नोटिस ही नहीं करते थे उनको आधी टीचर्स को पता नहीं था हेबा कोई है, बिकॉज ना तो मैं टिपिकल पढ़ाकू थी और ना ही मैं एकदम शरारती बच्ची थी, मैं शांति से बैठती थी और अभी लोगों को लगता है कि मैं कितनी चुलबुली हूँ, दिन भर सेट पे मस्ती करती रहती हूँ, बट ऐसी नहीं थी मैं पहले, बचपन में थोड़ी शरीफ सी थी, सिंपल सी थी, घर पे बहुत शैतानियाँ करती थी, मम्मी को बहुत शैतानियाँ नहीं बल एक्चुअली बहुत नखरे थे मेरे, तो मम्मी को बड़ा परेशान करती थी। ये था फोर्थ फैक्ट, आई एम वेरी मच इनटू गर्ली स्टफ, आई लव पिंक कलर। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो, उसको नफरत है गर्ली स्टफ से और मैं इतनी ज़्यादा हूँ गर्ली स्टफ में, पिंक पिंक पिंक, आज भी मैंने पिंक पहना हुआ है तो आई एम हैप्पी हाई, पिंक मुझे पिंक बहुत पसंद है और मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ जैसे डेविल्स वाले हेयर बैंड्स चाहिए और अगर मोबाइल कवर हो तो पिंक मिल जाए तो मज़ा आ जाए, सदाइस हर चीज़ पिंक 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 पिंक। सो और मुझे किदिश चीज़ें बहुत पसंद है, मेरे अगर रूम में है तो पूरा ऐसा लगता है, मतलब कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं एक दो दिन जब मैं एकदम किड जोन बन जाता है मेरा रूम, तो मम्मी भी कहती है अरे यार तो छोटी सी बच्ची है अभी भी, इसको ये सब चीज़ें पसंद है। तो मैं थोड़ी किडिश हूँ, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी किडिश हूँ, सब लोग कहते हैं कि प्लीज़ यार मैच्योर हो जाओ, कम ऑन एक्ट योर एज, आई एम लाइक हाँ हाँ अभी इसके लिए टाइम है, चूँकि थोड़ा बाद में मैं बड़ी हो जाऊँगी। सो या ओके, सिक्स्थ फैक्ट, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी ब्यूटी के लिए क्या करती हूँ, ये वो स्किन कैसे, बट मैं ऐसा कुछ खास करती ही नहीं हूँ, मेकअप दादा है मेरे बहुत अच्छा सा मेकअप कर देते हैं मेरे, और बाकी गॉड गिफ्ट, मम्मी का गिफ्ट डेफिनेटली, तो एज सच अभी आज तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कुछ ऐसा करने के लिए अपने स्किन के लिए, एंड आगे भी ना पड़े, दैट्स आई विश, दैट्स व्हाट आई विश। हाँ, आई हेट वेयरिंग ज्वेलरी, मुझे ये सब पहनाते हैं ना मुझे एलर्जी हो जाती है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे बिंदी से भी एलर्जी हो गई है, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मुझे नफरत है, मैं रियल लाइफ में कुछ नहीं पहनती हूँ, नॉट इवन छोटे छोटे इयर रिंग्स भी नहीं, कुछ नहीं पहनती हूँ मैं, मुझे सख्त नफरत है। और मैं स्टार्टिंग में बहुत खुश थी बिकॉज जब भी मेरा शो स्टार्ट हुआ था तो मैं फैशनिस्टा थी लेकिन एक सिंपल जोन में थी, तो वो ज़्यादा इयर रिंग्स ऐसा वैसा कुछ नहीं पहनती थी, जो वेरी सिंपल, और मैं बहुत खुश थी, और जैसे ही मैं इस अवतार में आई हूँ, ओ माय गॉड, मैंने धीरे धीरे चीज़ें कुछ कम करा दी, वरना मुझे तो बहुत सारी चूड़ियाँ ये सब पहना रहे थे, आई टोल्ड देम प्लीज़ यार इतना मत करो, फिर भी जो टिपिकल होती है उनके ये ज्वेलरी ये हो, तो थैंक गॉड मेरे साथ वो नहीं हुआ है। एट्थ फैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे मिरर देखना बहुत पसंद है,
मैं शायद जिंदगी भर मिरर के सामने बैठी, मतलब सोंगी मिरर के सामने, रोंगी, मैं रोती हूँ तो मैं मिरर के सामने बैठी है रोती हूँ मैं किसी के सामने रो रही होंगी ना, वो मिरर सामने होगा तो मैं उससे देख के बात नहीं करूँगी, मैं मिरर में देख के बात करूँगी। और अभी भी मेरे सामने मिरर है तो मैं बार बार मिरर में देख ही रही हूँ, तभी मुझे याद आया। एंड सब लोग नोटिस करते हैं, जो दो तीन दिन मेरे साथ काम करेंगे ना तो एकदम ऐसा नोटिस करते हो, मुझे हर कितने लोगों ने टोका कि तुम मिरर में देख के क्यों बात करती हो, तुम हमसे बात करो, हम यहाँ बैठे तुम वहाँ क्यों देख रही हो, तुम मिरर में अपने आप को देखिए, मतलब इतना क्या है कि तुम बार बार अपने आप को देखती रहती हो। इवन मेरा फ़ोन है तो उस पर भी मैं सेल्फी मोड पर डाल के अपने आप को देखती रहती हूँ, अलग अलग फेसेस बनाती रहूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा शौक है मुझे इन सब चीज़ों का। 9th फैक्ट, आई लव क्लिकिंग सेल्फीज, और मैं सबको फोर्स करके कहती हूँ, अरे आप भी सेल्फी खींचो मेरे साथ। सो आई लव क्लिकिंग सेल्फीज, अलग अलग वियर्ड वियर्ड फेसेस बना के, हालांकि मैं सब इंस्टा नहीं करती हूँ वरना सारे फैंस अनफॉलो कर देंगे तो लेकिन आई लव दैट पाउट वाला सेल्फी, मुझे पाउट खाना बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप के पाउच सो मुझे डार्क फेसेस और पाउच वाले सेल्फीज बहुत पसंद है, और वियर्ड सी स्माइल वाले भी, टीथ शोइंग वाला स्माइल, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और 10th फैक्ट, आई लव पुटिंग मेकअप, आई जस्ट लव इट। मैं पूरा दिन, मतलब मुझे अच्छा दिखना बहुत पसंद है, आई ऑलवेज वॉन्ट कि मैं सुंदर दिखूँ, मैं सोते हुए सुंदर दिखूँ, मैं जागते हुए सुंदर दिखूँ, मैं हर टाइम पे सुंदर, मैं बीमार भी लग रही हूँ ना, आई डोंट नो टी वी बहू या नहीं, बट आई ऑलवेज वॉन्ट कि मैं सुंदर दिखूँ जब भी, क्योंकि मैं बेड पे सोती हूँ तो सामने भी मिरर है और यहाँ भी मिरर है, तो मैं उठती तो पहले अपने आप को इसे देखती हूँ, ये रात को भी आँख खुलती है, इवन मेरे बेड के पीछे भी मिरर है, तो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मिरर्स है, तो मैं अपने आप को देखती हूँ और आई जस्ट वॉन्ट कह रहे यार, जब भी उठूँ, जब भी देखो लागो, आई शुड लुक प्रिटी। सो आई लव पुटिंग मेकअप, कुछ लोग कहते हैं फेक ब्यूटी होती है, ये होता है तो, बट जस्ट दैट आपको ब्यूटीफुल दिखना है, आप बिना मेकअप के देखिए या मेकअप के साथ देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपको ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई फील, कि जैसे भी मैं सुंदर देखती हूँ मेकअप के साथ, मेकअप के बिना, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक प्रिटी ऑलवेज। 11th फैक्ट, बाप रे लास्ट फैक्ट क्या है, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं विग नहीं लगाती हूँ, ये मेरे रियल हेयर हैं, मैंने अपने लास्ट शो में चैनल वी के शो में विग लगाई थी, बट वो मेरा सिर दर्द कर देती है, तो मैंने कहा प्लीज़ यार मुझे विग नहीं लगानी है, पूरा दिन मैं पागल हो जाती हूँ और इतना सारा काम होता है, हम इतनी देर देर, मतलब 12-12 घंटे हमको काम करना पड़ता है, तो इतने देर में सिर दर्द के साथ तो काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको परफॉर्म भी करना है साथ साथ में, तो डेफिनेटली मैं विग लगाना पसंद नहीं करती, बट कई लोग को लगता है मेरे रियल बाल नहीं, बट ये मेरे रियल बाल हैं। सो ये थे मेरे 11 अननोन फैक्ट्स जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, थैंक यू। वी आर श्योर यू गाइस डिडंट नो अबाउट दिस। उपासना पटेल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई। Hi, this is Zahiba Nawab and you are watching me on India Forums, and you can subscribe on WhatsApp TV.